आएगा। आज का सवाल, क्लास जो शुरू करूंगा वहां पर मेरा एक स्टूडेंट ने मुझे एक सवाल किया है, उसका आंसर देने के बाद ही करूंगा। मैं आज ये बोल रहा हूं, इसका रिपीटेशन मैं कभी नहीं करूंगा। फर्स्ट, मान लीजिए मेरा जो रेंट होता है, जो प्रैक्टिकली है, उसमें मैं जहां पर किराए में रहता हूं वहां पर तीन चीज का रेंट ऐड हो जाता है। एक एनुअल मेंटेनेंस प्लस लिफ्ट एंड स्टेयर केस का लाइट का भाड़ा, क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस का भाड़ा। मेरा फ्लैट का रेंट था 4,000 रुपया, प्लस 1,000 रुपया लेता है टैक्स, स्टेयर केस का लाइट, मेंटेनेंस एक्सेट्रा, 1,000 रुपया। मुझे बोलिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में मंथली रेंट कितना होगा? 5,000 सर। 5,000। नो, मेरा डेफिनेशन था रेंट रिसीव फ्रॉम द प्रॉपर्टी। आई रिपीट द वर्ड, फ्रॉम द यूटिलाइजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। आई एम नॉट सेइंग दैट एंसिलियरी सर्विसेज फॉर विच आई एम चार्जिंग यू। अगर ये इनसेपरेबल है, सॉरी सेपरेबल है, और वो सेपरेट कर ही सकते हैं, मेंटेनेंस के लिए 400, टैक्स के लिए 200, लाइटिंग के लिए 400, सब कुछ मिला के मेरा होता है 5,000। देन सर, मेरा घर का ये भाड़ा है 4,000 रुपीज पर मंथ, नॉट 5,000। गॉट इट और नॉट? क्वेश्चन में रेडी करने ही वाला था, उसके टाइम केतन ने एक अच्छा सवाल मुझको पूछ लिया। रेंट में सिर्फ एक रेंट नहीं रहता है, कंपोजिट रेंट रहता है, और वो भी सेपरेट कर सकते हैं। तो अगर ये सेपरेट कर सकते हैं सर, तो मेरा सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी का इनकम ही मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा, आदर नहीं है। इसका एक चर्चा मैंने आप लोगों के साथ किया था इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, जहां पर पेइंग गेस्ट का कॉन्सेप्ट मैंने आपके सामने रखा था, किराया सेपरेबल और इनसेपरेबल। अगर फैसिलिटी का पैसा एक साथ मर्ज होता है और वो नॉट सेपरेबल है, अदर सोर्स में जाएगा। लेकिन वो अगर सेपरेट है तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ही जाएगा। लेकिन ये बेनिफिट वाला केस नहीं है, ये आपका रेंट के भीतर अदर कंपोनेंट ऐड कर रहा है, कर ही सकता है, प्रैक्टिकल भी है। तो ये अदर कंपोनेंट के लिए जितना रिकवरी कर रहा है, यू कैन से दैट इट इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यू कांट से दैट, आप बोल ही नहीं सकते हैं। इनकम के भीतर ये सब रहेगा, आप बोल ही नहीं सकते। अगर है भी, आप तो एक्सक्लूड करके 4,000 × 12 करना है, नॉट की 5,000 × 12। क्लियर और नॉट? सर एक और बार बोलिए सर। आपका इनकम सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी रिलेटेड, उसका रिलेटेड अदर सर्विस के लिए आप जो पैसा चार्ज करते हो उसमें नहीं होगा। अगर आप एक्सक्लूड कर सकते हैं तो एक्सक्लूड कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। आपका रेंट के भीतर अगर ये सब कंपोनेंट रहता है तो उसको माइनस कर दीजिए, आउट कर दीजिए। क्लियर और नॉट? यस सर। ओके, अगर नहीं करने पाएंगे सर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चार्ज होगा। यस, डन? यस सर। चलिए, हाउस प्रॉपर्टी के संबंध के बाद हम लोग पीजीपीपी में हेड में चले आते हैं, जहां पर हम लोगों को लास्ट क्लास तक हम लोगों ने जनरल डिडक्शन किए थे, बोनस किए थे, प्रोविडेंट फंड किए थे, बैड डेट रिकवरी किए थे, एडवर्टाइजमेंट किए थे, इंटरेस्ट ऑन लोन किए थे। आज हम लोग एंड सब्सिक्वेंट क्लास में हम लोग दूसरा एरिया में इंक्लूड करेंगे। आज का क्लास होगा एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। एक जमाना था, एक जमाना नहीं है, ये लास्ट ईयर तक आप लोगों के लिए जो मैंने पढ़ाया था और आज क्लास में जो पढ़ाऊंगा, हेल एंड हेवन डिफरेंस हो जाएगा।
चलिए अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर साइंटिफिक रिसर्च, मतलब आपका बिजनेस सिर्फ बिजनेस में खरीदा बेचने के साथ वो साइंटिफिक रिसर्च में भी योगदान रखते हैं, रिसर्च का काम करते हैं। याद रखिएगा, जो टीचर खुद को कल्टीवेट नहीं करता है, जो ऑर्गेनाइजेशन खुद का डेवलपमेंट नहीं करता है, रिसर्च नहीं करता है, वो कभी भी जिंदगी में गुड टीचर गुड ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन सकता। उसको कल्टीवेट करना पड़ेगा, उसको माइंड को घुमाना पड़ेगा। ये पॉसिबिलिटी है, वो पॉसिबिलिटी हो सकता है, गलत हो सकता है, लेकिन करने के बाद ही उसको पता चलेगा ये मेरा गलत था, बिना करे ये नहीं हो सकता। तो बिजनेस को भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने से न्यू तरीका निकालना पड़ेगा। मैंने आज से 10 साल पहले जब से टैक्स पढ़ाना शुरू किया था और आज के डेट में जब टैक्स पढ़ाता हूं सेम तरीका नहीं है। आज से 10 साल पहले जब मैंने ब्रांच पढ़ाया था तब तो मैं ब्रांच का डेटा डायरेक्टली कर देता हूं, मैंने कभी आपको जिंदगी में स्टूडेंट को बोला ही नहीं था दैट इज ये आपका गोडाउन ट्रांसफर है, आपको प्रॉफिट सेंटर कॉस्ट सेंटर ये सब वर्ड नहीं बोला था। लेकिन धीरे धीरे मैंने डेवलप किया, स्ट्रेटेजी को डेवलप किया, उस तरीके से पढ़ाया था। मैंने जिस कभी भी सोचा ही नहीं था मैं कभी भी ऑनलाइन में क्लास कराऊंगा, मेरे साइड से मैं बोल सकता हूं। तुम लोगों का यहां पर बहुत लड़के का भाई मेरे साथ 6 सेमेस्टर में पढ़ा था, वो लोगों से पूछिए क्लास कैसे शुरू किया था। 15 मार्च को कॉलेज बंद हुआ था, 16 मार्च को मैंने स्टूडेंट को लाया था, 17 मार्च में मेरा फर्स्ट यूट्यूब वीडियो अपलोड हुआ था। उस तारीख से हम लोग थोड़े 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 करके कोशिश करके आज तो पूरा, मैं बाकी जगह में देखता हूं वो प्रोबेबली शायद वहां पर पीडीएफ देख के बोलते हैं, शायद बहुत कम सारा कॉलेज में ही है। मैं तो पर्सनली करता हूं, मेरा डिपार्टमेंट करता है, मैं जानता हूं। हम लोग पूरा क्लास को हाथ में यहां पर आपके सामने प्रॉब्लम को सोल्यूशन करते हैं, मतलब एक दिन में ये नहीं आया है। हम लोग थोड़ा थोड़ा करके डेवलप करके करके ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम करके किया हम लोगों ने। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये रिसर्च दो प्रकार से हो सकता है, एक इनहाउस एक्सपेंडिचर, मतलब आप खुद का भीतर में ही बिजनेस के हाउस के भीतर ही आप रिसर्च कर रहे हैं, और दूसरा आउट हाउस एक्सपेंडिचर, आप खुद एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे हैं, जो खुद रिसर्च नहीं करते हैं, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन जो रिसर्च करता है वहां पर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं रिसर्च के लिए, दैट इज इनहाउस एक्सपेंडिचर आउट हाउस एक्सपेंडिचर। घर में अगर आप लोग पढ़ते हैं, जो हम मैं मुझको अगर फीस देते हैं तो आपका इन हाउस हो गया बिकॉज मैं कॉलेज में ही हूं, लेकिन वही आप प्राइवेट ट्यूशन जाके करेंगे दैट इज आउट हाउस एक्सपेंडिचर। ये आपके ऊपर निर्भर करेगा आप इन हाउस एक्सपेंडिचर फॉलो कर रहे हैं ना आउट हाउस एक्सपेंडिचर फॉलो कर रहे हैं। चलिए यहां पर इन हाउस एक्सपेंडिचर में इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, क्या डिडक्शन मिलेगा। आपको शायद याद है मैंने क्लास शुरू करने के टाइम एक चीज बताया था आप लोगों को, दैट इज कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, मतलब कभी कभी कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी डिडक्शन मिलता है। नॉर्मली क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही डिडक्शन मिलता है 37(1) में। इट शुड नॉट बी पर्सनल इन नेचर, इट शुड नॉट बी कैपिटल इन नेचर, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है जहां पर आपको मिलेगा, वहां पर ही एक एक्सेप्शन में आपके सामने रख रहा हूं, दैट इज इन हाउस एक्सपेंडिचर। इन हाउस एक्सपेंडिचर का दो पार्ट है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लॉजिकली तो हम लोग जानते ही है फुल्ली अलाउबल एक्सपेंसेस, तो इसलिए मैंने क्या लिखा है 100% ऑफ एक्सपेंडिचर एज अलाउड एज डिडक्शन। लेकिन वही अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वही अगर आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है एक्सेप्ट लैंड, बिकॉज लैंड के लिए कोई डिप्रिसिएशन नहीं मिलता है, कोई कुछ नहीं मिलता है, लेकिन वही अगर अदर देन लैंड है लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर है, प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर बिल्डिंग एवरीथिंग, 100% एक्सपेंडिचर इज अलाउड एज डिडक्शन। ओके, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 100% डिडक्शन इज अलाउड एज डिडक्शन। क्लियर और नॉट? इवन प्लांट एंड मशीनरी है कैपिटल एक्सपेंडिचर, आपको डिप्रिसिएशन नहीं, 100% डिडक्शन मिलेगा, जो आपका अकाउंट में कभी भी पॉसिबल नहीं है। 100 कैपिटल अकाउंट्स में इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल के एसेट में ट्रीट किया जाता है,
उसका डिप्रिसिएशन आप अलग एक्सपेंसेस लेकर दिखा सकते हैं, डेबिट कर सकते हैं, लेकिन एक्सपेंडिचर पूरा ही आप डेबिट नहीं कर सकते बिकॉज इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर? नेक्स्ट, आउटहाउस एक्सपेंडिचर, बाहर एक्सपेंडिचर कर रहे हो, कॉन्ट्रीब्यूशन टू द नोटिफाइड अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च, 100% ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर, मतलब एनी नोटिफाइड अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, रिसर्च के लिए अगर देते हो तो 100% कंट्रीब्यूशन आपको डिडक्शन मिलेगा। सिमिलरली कंट्रीब्यूशन टू नेशनल लैबोरेटरीज, आईआईटीज, आईएसआई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च साइंस, ये सब जगह अगर इन्वेस्ट करते हो तो 100% कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव रिसर्च फॉर साइंटिफिक एंड स्टैटिस्टिकल रिसर्च, 100%। कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव contribution to approved company for scientific research 100%। मतलब सर मुझे तो कुछ देखना ही नहीं है, इसमें क्या स्पेशल है? कुछ स्पेशल नहीं है, मैंने आप लोगों को वो बता दिया है, ये डिफरेंट कैटेगरी, वट एवर मे बी द कैटेगरी, आपको 100% मिलेगा, लेकिन इनहाउस एक्सपेंडिचर, इवन कैपिटल एक्सपेंडिचर, आपको डिडक्शन मिलेगा 100% एक्सेप्ट लैंड। देखिए, मिस ब्रिनमो इज अ ट्रेडर, हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 2020-21। कंप्यूट द टैक्सेबल बिजनेस इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर 2019-20। क्या बोल दिया है? Previous year 2021. Business expenses, provision for bad debt, contribution to IIT Kharagpur, contribution to IIM Kolkata for social and scientific research. Net profit दे दिया है। The following expenses are allowed as deduction, 100%, 100% eligible deduction, how much? 30,000, पूरा ही allowed है, यहां पर भी student, बुद्धिमान student बोल ही सकता है सर ये करने का क्या मतलब है, 30,000 था deduction में मिला 30,000, इसमें तो कोई special नहीं, कुछ नहीं है, exactly, कुछ स्पेशल नहीं है, तो ये नोट का आप दे भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं, समझाने के लिए मैंने आपको दिखाया है। याद रखना, इस बार ये साइंटिफिक रिसर्च का एक्सपेंडिचर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये इस बार से चेंज हो चुका है, लास्ट ईयर में भी ये था 150% 200%, इस बार से ये पूरा 100% हो गया। लास्ट ईयर में भी इसका स्पेशल बेनिफिट मिलता था, इस बार से इसका कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं है, नॉर्मल एक्सपेंडिचर की तरह ही ट्रीट करेंगे। तो सर डिसअलाउड एक्सपेंसेस क्या है? सर एक ही तो देख रहा हूं, 100% allowed, provision for bad debt 5,000 disallowed होगा, contribution to IIT, sir तो disallowed का सवाल ही नहीं है, तो 100% allowed, very good, dash, contribution to IIM 100% allowed, dash,
तो टोटल कितना हो गया 5,000 95,000 लेस अलाउबल एक्सपेंसेस, ये तो सभी अलाउ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके तो चलिए सेम इनडायरेक्ट अप्रोच से भी। कोमल इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर 2020-21। कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर 2020-21। रिसीव्ड पेमेंट मैंने दे दिया है, मुझे बोलो डायरेक्ट अप्रोच फॉलो करेंगे ना इनडायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच ना इनडायरेक्ट अप्रोच बेटा? डायरेक्ट अप्रोच सर। व्हाई? बिकॉज सर रिसीव पेमेंट में बैलेंस का मतलब प्रॉफिट नहीं होता है। अगर इनकम एक्सपेंडिचर दिया रहता तो समझ जाते सर ये प्रॉफिट दिया है, सॉरी सरप्लस दिया है, लेकिन रिसीव पेमेंट मतलब इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ कैश बुक। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो फीस फ्रॉम ऑडिट फी 5,00,000 रुपया, ऑडिट रिलेटेड एक्सपेंसेस 2,00,000, कंट्रीब्यूशन कलकत्ता यूनिवर्सिटी में साइंटिफिक रिसर्च के लिए पैसा दिया है तो 100% ऑन 20,000, दैट इज इक्वल टू 20,000, 2,20,000 कितना हुआ? ₹2,80,000 क्लियर और नॉट? लास्ट ईयर में ये सब प्रॉब्लम आता था, अब तो कोई काम का नहीं है, पूरा फेंक दो प्रॉब्लम। और कोई काम का नहीं रहेगा। डन सर, पहले और अब में क्या डिफरेंस है सर? पहले वेटेड, तो पहले सुन के और क्या करोगे? मैं बोल सकता हूँ पहले 150%। चलो मैं तुमको एक चीज दिखाता हूँ, ये सिर्फ देखने के लिए दिमाग में रखना। सॉरी वापस हो जाएगा तो सर? ना ना ना, वापस हो जाएगा तो तुम लोगों का क्या, तुम लोगों तो जो भी करोगे तब ऑन द बेसिस ऑफ 2021, इसमें क्या उसके बाद क्या होगा तुम जान के क्या करोगे? इसके बाद क्या होगा तुम जान के क्या करोगे? ओके, तो साइंटिफिक रिसर्च में लास्ट ईयर में भी मिनिमम एक फुल लेंथ 1 घंटे का लेक्चर जरूरी होता था, और आज के डेट में उसका जरूरी ही नहीं है बिकॉज उसको पूरा ही विथड्रॉ कर दिया है। मैं किसी एक सेमिनार में देख रहा था, नोट्स दिया है किसी एक जगह में, अभी भी पुराना प्रोविजन लगा के, पुराना प्रोविजन मतलब 150% वाला जो प्रोविजन था पूरा ही गलत, वो अब नहीं है, मतलब टीचर अपडेट नहीं किया खुद को। कहां देख लीजिए सर, सुन कंप्यूटर मेरे लिए वेरी पथेटिक हो रहा है। चलो कंप्यूटर बाद में बात देखेगा, कंप्यूटर क्या होगा। अब मैं आप लोगों को कुछ बारे में बात करूंगा, दैट इज
amortization of preliminary expenses. I think मुझे आप लोगों को preliminary expenses क्या है वो समझाना नहीं पड़ेगा. आप लोगों को दिमाग में है preliminary expenses मतलब business का formation related expenses, वही आपका preliminary expenses. मैं आपको एक brief दे सकता हूं अगर आपको जरूरत पड़ेगा तो देता हूं. वो रहने से आपका बेटर रहेगा. चलिए, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 35D इज टॉकिंग अबाउट सच टाइप deals with the expenditure on preliminary expenses, expenses in connection with the setup of the new business. मतलब business start करने के लिए जो खर्चा होता है उसका deduction कैसे मिलेगा, तो वो तो preliminary expenses में debit हो जाता है. तो preliminary expenses का क्या deduction मिल सकता है? यहाँ पर जैसे house property में interest का 1/5, pre-construction period का concept था 1/5, यहाँ पर भी preliminary expenses के आज जितना eligible होगा, जितना खर्चा करेंगे deduction मिलेगा, ऐसा नहीं. जितना eligible होगा उसका 1/5 का deduction आपको मिलेगा. चलो, क्या क्या preliminary expenses के भीतर आता है? Expenditure relating to preparation of feasibility study, project report. At all वो project काम में आएगा और नहीं आएगा उसका ये study जो करते हैं उसके लिए. Expenditure relating to market survey. आप मान लीजिए कभी खिदिरपुर एरिया में कैफे कॉफी डे देखे हो, कॉलेज में, खिदिरपुर कॉलेज में कैफे कॉफी डे का, कैफे कॉफी डे सामने इधर उधर गली में देखे हो कैफे कॉफी डे? नहीं सर. मेरे पास पैसा है, कैफे कॉफी डे ओपन कर दिया, बोलिए चलेगा? कॉफी 200 सीसीडी कितना है कॉफी? 250 नहीं सर, 280 खाता है ना लेके. तो 280 ऑफर में खाते, 280 सोचो कॉफी 280 रुपीस. और सब सिर्फ कॉफी लेके नहीं होगा, उसके साथ इधर उधर मतलब 400-500 रुपए का खर्चा. स्टूडेंट कंसेशन के लिए घूमता है और 500 रुपए लेके कॉफी जाएगा, इम्पॉसिबल. मतलब यहाँ पर मार्केट सर्वे सर्वे करोगे तो स्ट्रेट वे में आंसर हो जाएगा, नो. एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू मार्केट सर्वे नहीं होगा. Expenditure relating to engineering services, planning, sketching, designing, technical know-how, ये सब के लिए जो खर्चा आप लोग करते हैं. Designing के लिए मशीन तो अलग कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन आपका किस प्रकार का मशीन चाहिए, आपका लेआउट कैसे होगा फैक्ट्री का, ये सब. Expenses relating to issue of shares, debenture, मतलब पैसा रेस करने का, ये संबंधित अगर खर्चा, ये सब preliminary expenses में आ जाएगा. तो इसके लिए आपको deduction मिल सकता है. Now question is how much of such expenses will qualify for deduction and how long the SSE can claim the deduction. Under section 35D allows SSE to claim deduction for 5 subsequent previous year starting in the year of the commencement. Matlab 35D bol raha hai main aapko 5 installment dunga. Ye 5 installment what kahe, pehle aap kahan par sune the? Reconstruction interest. वेरी गुड, 5 इंस्टॉलमेंट में दूंगा. वहां पर भी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब मिला था? जिस ईयर में फर्स्ट कंप्यूटेशन होगा. तो यहाँ पर भी फर्स्ट कंप्यूटेशन कब होगा? जिस ईयर में बिजनेस स्टार्ट होगा, तो कंप्यूटेशन उसी ईयर से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट. ऐसे 5 इंस्टॉलमेंट में आपको डिडक्शन मिल जाएगा. नाउ देखते हैं नॉन कॉर्पोरेट एसएससी. हम लोगों का सिलेबस में ऑब्वियसली कॉर्पोरेट एसएससी नहीं है, नॉन कॉर्पोरेट एसएससी है, तो हम लोग नॉन कॉर्पोरेट एसएससी ही का बात ही करेंगे. मतलब शेयर डिबेंचर का बात यहां पर नहीं करेंगे. यहां पर फर्स्ट आता है ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट. बोलिए तो ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट वर्ड आप लोग कहां पर सीखे थे? सर इंटरेस्ट. गुड, हाउस प्रॉपर्टी.
ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट, एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विथ फिजिबिलिटी स्टडी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मार्केट सर्वे, इंजीनियरिंग सर्विसेज रिलेटिंग टू द बिजनेस बाय द एसएससी और बाय द बाय एंड बाय द एसएससी और बाय एन अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन. एसएससी खुद कर सकता है और तो फिजिबिलिटी स्टडी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मार्केट सर्वे, ये सब कौन कर सकता है? एसएससी कर सकता है और एनी अप्रूव ऑर्गेनाइजेशन ऑन बिहाफ ऑफ एसएससी. अप्रूव ऑर्गेनाइजेशन ऑन बिहाफ ऑफ नेक्स्ट बी एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद ड्राफ्टिंग एग्रीमेंट, रजिस्ट्रेशन, प्रिंटिंग चार्जेस carried on by the SSC or by any concern, whether approved or not approved by the board. हो ही सकता है. मतलब feasibility study, project report, market survey and engineering तुमको तुम खुद करो और approved organization से लो. लेकिन any other than that is drafting, registration, printing charges, ये सब approved unapproved दोनों ही चल सकता है. तो ये सब खर्चा मिला के आपका हो जाएगा क्या? Gross qualifying amount, that is a total expenditure. B, net qualifying amount क्या होगा? Lowest of the following, total expenditure and 5% of the cost of the project. I repeat, total expenditure and 5% of the cost of the project. Total expenditure मतलब कुछ देर पहले जो मैंने लिखा था ये, and 5% of the cost of the project. Sir, cost of the project मतलब प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है, मतलब जो फिक्स्ड एसेट आपने एक्वायर किया था, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट, फर्नीचर, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो आपका जिस ईयर में बिजनेस शुरू कर रहे हो उस ईयर का एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर में जो आपका एसेट का कॉस्ट दिखा जाएगा वही आपका प्रोजेक्ट का कॉस्ट है. क्वेश्चन में प्रोजेक्ट का कॉस्ट आपको बोल देगा, नहीं तो आपको लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर करके एड करके करना पड़ेगा. ओके okay? अच्छा, अप्रूव बाय द बोर्ड मतलब ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, और कुछ नहीं. सी, अमाउंट ऑफ डिडक्शन क्या होगा? सर, अमाउंट ऑफ डिडक्शन होगा नेट क्वालिफाइंग अमाउंट का 1/5 ऑफ एनक्यूई, मतलब जो नेट क्वालिफाई होगा उसका 1/5. तो ग्रॉस अमाउंट क्वालिफाइंग है टोटल एक्सपेंडिचर, डिडक्शन क्या ग्रॉस का मिलता है ना नेट का, नेट का नेट कितना होगा? नेट होगा टोटल एक्सपेंडिचर और 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट व्हिच एवर इज लोअर. मतलब आपको एक अपर सेलिंग दे दिया है, 5% से ज्यादा एक्सपेंडिचर करोगे भी तो मैं आपको डिडक्शन में कंसीडर नहीं करूंगा, मैं अप टू 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट डिडक्शन में कंसीडर करूंगा, ठीक है. चलिए, मिस गजनाफर इज अ ट्रेडर, हैज द फॉलोइंग, हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 2020-21. Compute the taxable income for the previous year 2021. Kya hai? Business expenses 60,000, bank interest 15,000, contribution 30,000, amortization of preliminary expenses 1/10 amortized kya hai 20,000, gross profit 3 lakh. Net profit 1,75,000. Additional information. Bank interest 10,000 not paid till 31/12/21. The business was commenced 2 years back, 1/10/2007. The preliminary expenses. The preliminary expenses incurred 2 lakh and cost of the project jis saal mein shuru hua uska ant matlab 31/3/2000
19 बिकॉज शुरू हुआ था 1-10-2018 में, कौन सा प्रीवियस ईयर के भीतर आता है 18-19, तो 18-19 का प्रीवियस ईयर के लास्ट डेट मतलब 31-3-2019 में है 30 लाख। तो मुझे डिडक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए द एक्सपेंडिचर these allowed expenses, interest on bank loan 10,000 जो क्या है payment नहीं हुआ है, कब payment हुआ है 31 March 2021 मतलब due date of return filing के बाद, due date of return filing that is में 31 July 2020-21 को मान रहा हूं। तो 10,000 मेरा डिसअलाउ हो जाएगा। नाउ डिडक्शन फॉर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दैट इज पहला था नोट वन। अब डिडक्शन फॉर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या है, ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट देखो बोल ही दिया है 2,00,000 रुपए, कोई टेंशन नहीं है। नंबर टू नेट क्वालिफाइंग अमाउंट, नेट क्वालिफाइंग अमाउंट मैंने क्या बोला था 5% of the cost of project and gross qualifying amount. तो 5% of the cost of project कितना बेटा? 5% on 30 lakh cost of project. आजा, देख, project का cost कितना है? 30 lakh. तो 30 lakh का 5% कितना होता है? 1,50,000. और gross qualifying amount कितना है? 2 lakh. दोनों में lower कितना है? दोनों में लोअर कितना है? 1,50,000. तो फाइन आपका डिडक्शन क्या 1/5 ऑफ 2 lakh होगा ना 1/5 ऑफ 1,50,000 होगा? 150 मैंने वही किया, देखो 1/5 ऑफ 1,50,000 30,000। ठीक है यस सर। चलो computation of income under PGBP of Ms. Ghaznafar for the for the previous year, यहां पर अच्छी तरह से देखिएगा profits and gains 1,75,000, bank interest 10,000, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 20,000 पहले एड बैक किया, क्यों सर? बिकॉज मुझे 20,000 का सेपरेटली ट्रीटमेंट चाहिए। 20,000 मैंने पहले एड बैक किया, वाई? बिकॉज 20,000 का मुझे सेपरेट ट्रीटमेंट चाहिए। तो 30,000 टोटल 2,05,000 लेस अलाउबल एक्सपेंडिचर। क्या है अलाउबल एक्सपेंडिचर? Preliminary expenses how much? 30,000. So profits and gains from business and profession kitna ho gaya? 2,05,000 - 30,000. Bolo kitna? 1,75,000. कार रेके रे 1,75,000 डन सर। एक और जीरो कोई प्रॉब्लम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड सर्टिफिकेट रिसर्च में? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड साइंटिफिक रिसर्च में कोई प्रॉब्लम? सर सर इन हाउस रिसर्च का कुछ एग्जांपल बताइएगा। इन हाउस एक्सपेंडिचर मतलब खुद का बिजनेस में, खुद घर में ही बिजनेस कर रहे हो। मुझे सर इन हाउस रिसर्च के लिए सर। हाँ इन हाउस रिसर्च आज तुम्हारे घर में ही बात हो रहा है?
हाँ सर चल रहा है। बंद कर, बंद रख। चलियो मैं बताऊंगा इन हाउस एक्सपेंडिचर, होल्ड कर। एक छोटा पांच नंबर के लिए क्वेश्चन मैंने दिया है, और देखो तुम कमेंस द बिजनेस ऑन 1/12/2019। द फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर इनकर्ड बाय द अमिताभ बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट 45,000 बाय अ कंसर्न अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। कंडक्ट अ मार्केट सर्वे ऑफ इट्स प्रोडक्ट बाय एन एजेंसी व्हिच इज नॉट अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। Legal charges for drafting agreement between Mr. Omitaho and the owner of the leasehold land for setting up the factory ₹25,000 not approved. Engineering service approved organization ₹10,000. Cost of the business asset 31/3/2020, that is 20 lakhs. Determine the amount of deduction. पहले gross qualifying amount करो, बोलो क्या होगा? Assessment year 2021-22. Gross qualifying amount क्या है? Preparation of feasibility report and the project report done by the approved. याद करो, engineering, feasibility, market survey, project report, ये सब कौन done करेगा? Either SSC खुद और कोई approved association से, लेकिन legal charges, printing, ये सब सर वो approved हो भी सकता है और नहीं भी। तो प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बाय द अप्रूव्ड कंसर्न 45,000, लेकिन कंडक्ट ऑफ मार्केट सर्वे बाय अ कंसर्न नॉट अप्रूव्ड बाय द बोर्ड, वो तो सर डिडक्शन नहीं मिलेगा, अलाउड ग्रॉस क्वालिफाई नहीं करेगा। बिकॉज अगर मार्केट सर्वे खुद नहीं करते हो, दूसरे से कराते हो, और दूसरा अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो कोई डिडक्शन आपको उसके लिए नहीं मिलेगा, तो ये क्वालिफाई नहीं करता है डैश। लीगल चार्जेस फॉर ड्राफ्टिंग, वो सर अप्रूव्ड हो ना अप्रूव्ड हो मिलेगा, क्वालिफाई करेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा बाद में देखता हूं। 25 इंजीनियरिंग सर्विसेज बाय एन अप्रूव्ड कंसर्न 10,000, टोटल 80,000 क्वालिफाई किया। नेट क्वालिफाइंग अमाउंट कितना? 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, दैट इज 20 लाख का 5% 1 लाख, and gross qualifying amount 80,000, lowest कौन सा है? 1,90,000। कौन सा lowest है? 80, तो 80 का मैंने net qualifying हुआ, deduction क्या होगा? 80 का 1/5 ना, सब दोनों में ही same ही है, तो 80 का 1/5, that is 16,000, तो डिडक्शन फॉर द प्रीवियस ईयर 2021 16,000। क्लियर और नो? तो मैं छोटा प्रॉब्लम सेट कर ही सकता हूं आपको 35D से। एग्री? यस सर। यस सर। तो यहां तक किसी का कोई प्रॉब्लम? पंकज है ना, चांद, किसी का कोई प्रॉब्लम यहां तक? नीलिमा? नो सर। नो सर। चलिए, आज ने मुझे एक चीज बोला था, मैं कोशिश कर रहा हूं देने के लिए साइंटिफिक रिसर्च में, मुझे पता नहीं होगा और नहीं, देखता हूं इलस्ट्रेशन बोल के। कंप्यूट डिडक्शन अंडर सेक्स फॉर साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च
डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च इन आईएसआई, नाम जानते हो सर? तो आतंकवादी है सर। पगला इंडियन ये तर हाँ जानते इन हाउस कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल इन हाउस ताज खाली आतंकवादी ही जानते थे। इन हाउस साइंटिफिक एक्सपेंडिचर फॉर लैंड फॉर बिल्डिंग फॉर सैलरी material for equipments equipments चलिए बोलिए डिडक्शन क्या होगा फॉर द प्रीवियस ईयर 2020-21 सॉल्यूशन डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 फॉर साइंटिफिक रिसर्च for the previous year okay. kya hoga 40,000 amount rupees deduction donation to ISI kitna 40,000 percentage of deduction कितना डिडक्शन मिलेगा बेटा आपको 100% देन इन हाउस
एक्सपेंडिचर फॉर लैंड लैंड कितना बोल बेटा 1 लाख कितना डिडक्शन मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा नॉट एलिजिबल डैश बिल्डिंग 100% सैलरी 100% मेटीरियल 100% इक्विपमेंट जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो भी 100% सैलरी एंड मेटीरियल क्या था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर $2 lakh, $1 lakh 20 then 1 lakh 50 then 4 lakh agree तो deduction कितना मिलेगा बोलो 4 लाख calculate करके बोल जल्दी बोलो 9 lakh 10 9 lakh 20 10 9 lakh 10 yes sir yes. ओके जाओ ठीक है यस सर तो जितना इलस्ट्रेशन था सब दिखाया मतलब किया डन